अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं नेक की डिज़ाइंस कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग भी। तो मैंने नेक की ब्रिथ ली है 3.5 और लेंथ ली है 4। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकती हो, जितनी आपको पहनना पसंद है। हम इसकी अच्छे से गोलाई की शेप दे देंगे, बिल्कुल अच्छी गोलाई सेप दीजिएगा, तभी आपकी नेक बिल्कुल अच्छी बनेगी। फिर हम इसके नीचे 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद हम बिल्कुल एक अच्छी गोलाई से सेप देंगे, बिल्कुल इसी तरह सेप दीजिएगा गोलाई की। इसके बाद हम इसके ऊपर 1.5 इंच की एक मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद हम 1.25 इंच या फिर 1 इंच के बाहर की तरफ से एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने में तो हमें कटिंग कर लेनी है, फिर हम अंदर साइड की भी कटिंग कर लेंगे। हमने जो 2.5 इंच पर गोलाई के निशान लगे उसे भी फिनिशिंग देते हुए हमें कट कर लेनी है। फिर हमने जो ऊपर की साइड पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाया था, रख के एक निशान लगा लेनी है, फिर उसको कटिंग कर लेनी है। हमारा गला तैयार हो चुका है, अब हम इसे कपड़े पर पेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए थोड़ा कटिंग कर लेंगे, ये हमें फोल्ड करना पड़ेगा। इसकी पूरी फोल्ड कर लेंगे हम चारों तरफ से। फोल्ड करने के बाद हमें अभी अपने सीधे कपड़े पर इस गले को रखना है, फिर पिन की हेल्प से हम इसे अच्छे से गले को सेट कर लेना है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। अब हम पेस्टिंग पर सिलाई चला लेंगे। अच्छे से सिलाई करेंगे गोलाई के सेप देते हुए फिनिशिंग के साथ, तभी हमारी नेक बिल्कुल फिनिशिंग होगी। सेप बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा आप भी, पूरी गोलाई पर चला लेनी है। ये हम सभी तरफ से चला लेंगे सिलाई। ध्यान रहे कि आपकी गोलाई बिल्कुल फिनिशिंग हो। हमारी हो रही है सिलाई। हम सभी पिन को निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद कपड़े को कट कर लेंगे। थोड़ा कपड़ा रख के ही कट करेंगे।
इसे अच्छे से बिल्कुल शेप देते हुए कटिंग करना है ताकि हमारी गुलाई ख़राब ना हो। देखिए हमने कट कर लिए हैं। इसमें सबसे ज़रूरी कि आपको एक कट भी लगाना होता है, कट से ही हमारी गली की फिनिशिंग आती है। आप इसे ज़रूर लगाइएगा वरना ये फिनिशिंग नहीं आती इसे नहीं करने से। तो गले में ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है फिनिशिंग के लिए। तब हम इसे पलट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हम पलटेंगे। देखिए हमारी गला पलट लिए हैं। हम इसे आयरन से सेट कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। देखिए आयरन से भी सेट हो चुका है, कितनी फिनिशिंग है ये आयरन से। इसलिए गले में आयरन ज़रूर लगाइए मारिएगा। हम इसे पर्ल की हेल्प से लगा लूँगी, जो कि पर्ल मेरी गोल्डन कलर की है। मेरे कपड़े में प्रिंट गोल्डन कलर की, इसलिए मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। आपको जो भी कलर में लगाना है आप अपने हिसाब से लगाइएगा। पल से ही नेक बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी है डिज़ाइंस। देखिए हमारे गला बनके रेडी हो गया है।